वेल, इस राजे महाराजाओं के शहर में आकर के आपने अगर इस घोड़े की सवारी नहीं की तो मज़ा नहीं आएगा। तो इंडियन देसी तड़का आज भाई, क्या नाम आपका? रमेश भाई के साथ में इस अल्बर्ट हॉल का पूरा चक्कर लगा रहे हैं और इस नगरी को देखने जा रहे हैं, जयपुर नगरी, गुलाबी नगरी को, इस घोड़े पर। तो जब भी आए इस घोड़े की सैर का लुत्फ लेना ना भूलें। और हम आप आ चुके हैं रावत मिष्ठान भंडार पर और यहाँ की कचौरी एक्सप्लोर करने के लिए। तो जो कचौरी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, इट्स एन एक्सीलेंट कचौरी, क्वालिटी वाइज इंडिग्रेडिएंट्स जो इसमें डाले जा रहे हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही शानदार। मेरे साथ में है यहाँ पर शंकर जी, ही इज द मैनेजर ऑफ रावत मिष्ठान भंडार। लेट्स टॉक टू हिम एंड एक्सप्लोर, तड़का लगाते हैं इस कचौरी में क्या खासियत है और किस तरह से बनाई जाती है। ही इज गोइंग टू टेल अस ऑल द डिटेल स्टोरी ऑफ द फेमस कचौरी ऑफ रावत मिष्ठान भंडार। सर, कचौरी के बारे में आप बताइए। हम लोग जो कुछ क्वालिटी के आलू आते हैं वो काम लेते हैं सबसे पहले, तो फिर इसको अच्छा वॉश करके इसके ऊपर जो सिल्का है वो मशीनों से चीरते हैं, वो मटेरियल है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का काम लेते हैं, इसको बॉयल करके फिर उसके अंदर जो मसाले, गर्म मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची, ये हम लोग खुद तैयार करते हैं। और एक खास तड़का जो आप लगा रहे हैं उसकी क्या खासियत है? उसकी खासियत ये, वो जो रेसिपी है वो हमारे जो बॉस है वो तैयार करते हैं। रात की बात है, वो रात की बात है, वो रात को रात ही रहते हैं। How many points would you give to Rawat Mishan? 5 out of 5. Sir, kahan se aaye? Delhi se. Delhi se? Delhi se came to get kachori here. Kya baat hai? Never get kachori. Never in kachori. Indian Desi Tadka aaj baitha hai Rawat Mishan Bhandar ke संस्थापक श्री देवड़ा साहब के पास में। लेट्स आस्क देम अबाउट द स्टोरी ऑफ द कचौरी, द मोस्ट फेमस कचौरी ऑफ गुलाबी नगरी ऑफ द पिंक सिटी। ये जो प्याज की कचौरी है ये तो 60 साल पहले मेरे पूज्य दादा श्री ने इसका आविष्कार जोधपुर में किया था और आज मेरा बेटा है चौथी पीढ़ी में वो इसी लाइन में इसी कचौरी को या बिक्री के लिए बनाते हैं। और इस कचौरी के अंदर जो इंग्रीडियंट्स है, जो मसाले हम डालते हैं वो 35 तरह के गर्म मसाले होते हैं और इसका जो तेल जिसमें फ्राई करते हैं कचौरी वो तेल राजकोट से आता है और स्पेशल तेल होता है, ब्रांड उसका जो है वो सिटीजन नाम है और इतना पतला तेल होता है और उसका भाव भी इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी उनका दुकानदार उसको लेने की हिम्मत नहीं करता। देखिए, कचौरी बनी है दिल से इसलिए राज करती है दिल पर। तो ये था आज का हमारा एपिसोड इंडियन देसी तड़का का, रावत मिष्ठान भंडार की प्याज की कचौरी। सो जब भी जयपुर आएँ ये कचौरी खाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।